दोस्तों आईपीएल 2024 के लिए मिनी ऑक्शन 19 दिसंबर को दुबई में होना है। इस ऑक्शन में 333 प्लेयर्स पर बोलियां लगने वाली है। इससे पहले आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू किस टीम की है। अगर आप सोच रहे हैं कि महेंद्र सिंह की चेन्नई सुपर किंग्स, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए आपको बताते हैं दोस्तों। बता दें कि पिछले आईपीएल सीजन में गुजरात टाइटंस को फाइनल से मात देकर चेन्नई सुपर किंग ने धोनी की कप्तानी में 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की। सीएसके मुंबई इंडियंस के साथ सबसे ज्यादा आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाली टीम है। दोनों टीमों ने 5-5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे ब्रांड वैल्यू वाली टीम है। यह हम नई ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट के अनुसार मुंबई इंडियंस पहले नंबर पे है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 725 करोड़ रुपए है। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स 672 करोड़ रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। दोनों टीमों के बीच अंतर देखा जाए तो चेन्नई सुपर किंग मुंबई के आसपास भी नहीं है। दो बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर की टीम ब्रांड वैल्यू 655 करोड़ रुपए है, जो कि तीसरे नंबर पर है। उसके बाद चौथे नंबर पर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 582 करोड़ रुपए है, जिन्होंने आज तक कोई भी आईपीएल खिताब नहीं जीता है। पांचवे नंबर पर गुजरात टाइटन है, जिनकी ब्रांड वैल्यू 545 करोड़ रुपए है। छठे नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स है, जिनकी 537 करोड़ रुपए है। सातवें नंबर पर राजस्थान रॉयल है, जिनकी 521 करोड़ रुपए है। उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद है, जो 401 करोड़ रुपए के साथ आठवें नंबर पे है। लखनऊ सुपर जायंट्स की ब्रांड वैल्यू 391 करोड़ रुपए के साथ नौवें नंबर पे है। और पंजाब किंग्स सबसे नीचे है, जिसकी ब्रांड वैल्यू 377 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों, कौन सी ऐसी टीम है जिसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए और आपके हिसाब से कम है? अपनी राय जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।